असलम वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल और बेटा आज हमारे पास हमने मैट्रिक क्लास में जो आपका यूनिट सिक्स है कैरेक्टर बिल्डिंग का पार्ट वन बेटा इसमें एक पोम है स्पीक जेंटली अब इसको बेटा हमने रीडिंग एक्सप्लेनेशन करनी है एम सी क्यूज और बेटा शोर आंसर क्वेश्चन देखने हैं बेटा तो लेट स्टार्ट हमारे पास क्या आ रहा है स्पीक जेंटली का पहले स्पीक जेंटली इट इज बेटर फार टू रूल बाई लव दैन फेयर स्पीक जेंटली लेट नो हार्श वर्ड्स मार द गुड वी मे डू हेयर स्पीक जेंटली टू द लिटिल चाइल्ड इट्स लव बी श्योर टू गेन टीच इट इन एक्सेंस सॉफ्ट एंड माइल्ड इट मे नॉट लॉन्ग वी मे बेटा स्पीक जेंटली के बारे में कि हमारे पास एक पोम है क्या लिखा हुआ कि भाई आपको चाहिए कि आप जो है ना बड़े अच्छे तरीके से बात करो बहुत अपनी लहजा आपका ऐसा हो पास प्यार कर से आप करो कि ना कि डरा के बल्कि आप प्यार मोहब्बत से बात करो क्योंकि कह रहे हैं कि आप किसी पे अगर अगर आप किसी के दिल पर हुकूमत करना चाहते हो ना भाई तो आप प्यार से करो मतलब कि ऐसे करो कि सामने वाले को ख़ुशी हो सामने वाले को अच्छा ना कि आपके डर की वजह से वो आपकी बात सुने इस तरह ना हो और कह रहे हैं कि भाई आप अपने अलर्ट से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ, ताकि आप क्या करो आ, अपनी तरफ से अपने वर्ड से देखो बेटा बोलते हैं ना आपकी ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार भी ये है और दुनिया का सबसे बड़ा मरहम भी ये है ठीक है आप बेटा अपनी ज़बान से किसी को इस कदर दुख पहुंचा सकते हो जिसकी हद नहीं है और अपनी ही जबान से आप किसी के लिए बहुत बड़ा मरहम बन सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो कह रहे हैं उस तरह फिर बोलने रहे कि भाई एक ख़ास तौर पर जो अब बच्चों का जिक्र किया कि छोटे बच्चों से बहुत नरमी से बहुत प्यार मोहब्बत से बात किया करो क्योंकि देखो छोटी एज पे ना बच्चा जो सीखता है वो लाइफ टाइम के लिए सीखता है अब अगर एक बच्चा ऐसा है उसका उसको ऐसा माहौल दिया हुआ है कि बड़ी सख्ती से उससे बात की जा रही है ठीक है तो वो सीखेगा भी है ये सीखेगा अगर उसकी सराउंडिंग में गाली गलोच हो रही है तो वो गालियाँ वो भी सीखेगा तो बोले लिहाजा आपने उसको सिखाना है क्योंकि ये एक वो एज है कि जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी उसका बचपन लिहाजा आपने उसके बचपन को प्रॉपरली तौर पे आपने उसको वैसा बताना है सिखाना है आपको उसको ठीक है ना क्योंकि ये बचपन ज़्यादा देर थोड़ी रहेगा उसका फिर क्या लिखा हमारे पास स्पीक जेंटली टू द एजड वन ग्रीव नॉट द केयर फोन हार्ट ऑफ लाइफ आर नियरली रन लेट सच इन पीस डिपार्ट Speak gently, it's a little thing. Drop in the इस्पीकेंटली well. the थिंग the that इन दार्स द गुड इट it, it shall tell. कहने के भाई उसके बाद बोल रहे हैं कि आपने एजड लोगों से ना बड़े प्यार मोहब्बत से बात करनी है उनको दुख ना दो क्योंकि वैसे ही बेचारे वो अपनी एज के मुताबिक बहुत दुख देख चुके हैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं लिहाजा आपने उनको बड़े प्यार से बात करनी है और कम से कम उनको पुरसकून तरीके से उनको इस दुनिया से जाने दो ताकि सुकून में हो जब वो दुनिया से जा रहे हो सुकून हो उनको फिर बोल रहे हैं कि इस तरह अच्छे से बोलना बहुत प्यार से बात करना ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ये दिल की गहराइयों तक तो जाती है मतलब तो इंसान के दिल पे असर करता है ये आपके अच्छे तरीके से बात करना और कह रहे हैं कि जब आप ये अच्छा करते हो ना सना और उससे जो आप दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाते हो वो क्या पता आपकी नजर में बहुत छोटी चीज़ हो लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि क्या पता नस्लों तक में वो चीज़ जाए क्या पता आपके अच्छे बात करने से किसी इंसान पर इतना अच्छा इम्पेक्ट पड़े वो चेंज हो उसमें पॉजिटिविटी आए और हो सकता है कि उससे वो पॉजिटिविटी अपने आने वाली नस्लों को बताए तो क्या पता बेटा आपका इस तरह से अच्छे से बोलना किसी पे पॉजिटिव असरअंदाज होना आप नहीं जानते कि कोई इंसान किस कदर आपसे इम्प्रेस हो के ये कुछ कर सकता है देखो आजकल के दौर में क्या है कि लोग ना तफरी मजाक करते हुए गालम गलोश कर रहे होते हैं बेटा ये इससे नुकसान है सिर्फ गुनाई गुनाएं और कुछ भी नहीं है आपका ठीक है किसी को लगता है नहीं यार बड़ा कूल लगते हैं अरे कुछ नहीं होता बेटा ये कूल आप गाली भकने से बड़ा कूल कौन बन सकता है ठीक है तो इन चीज़ों को बेटा आपने बहुत ध्यान रखना होता है अच्छा भाई छोटी थी वोम थी बेटा हमने पढ़ ली वाली अब आते हैं एम की तरफ और बेटा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि एम हमारे पास आ, हम थोड़े से पढ़ते हैं बाकी आपको खुद करना होता है क्या लिखा हुआ है द वर्ड हार्श मीन्स वॉट हार्श का मतलब क्या है तो भाई इसका मतलब है क्रूल क्योंकि वर्ड मैंने हम देखते हैं आगे इट इज़ बेटर टू रूल द पीपल बाई लव देन वाट क्या पढ़ा आपने कि भाई लोगों पे अगर हुकूमत करनी उनके दिलों पर तो आप किस तरह हुकूमत करो कि आप प्यार मोहब्बत से करो ना के ना के क्या फेयर से डर से करो द मेन आइडिया ऑफ द पोम टू स्पीक जेंटली विद डैश के हमें जो इसमें हमको इस पोम में सिखाया गया वो क्या बोल रहे हैं कि आप किससे प्यार से बात करो बच्चों से जवान से हर किसी से या बूढ़े लोगों से तो मेरा आंसर क्या है ऑल पीपल अगला है द स्पीक द पोम स्पीक जेंटली इज ये किसने लिखी है ये मैं आपको बता देता डेविड पेट्स ठीक है बाकी बेटा और एम सी क्यू है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं ठीक है उसको आप लोग हेल्प कीजिएगा उसको बायदादा अब जरा हमारे पास एम सी क्यूज आ रहे हैं सॉरी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं मैडम को सॉल्व करते हैं वॉट डज द पॉइंट वॉन्ट टू से द पॉम स्पीक जनली के जो पॉइंट है वो क्या बोलना चाह रहे हैं स्पीक जनली जर्नली से क्या बोलना चाह रहे हैं भाई वो स्पीक जनली से बोलना चाह रहे हैं कि देखो uh, कि जो एक प्यार मोहब्बत जो है ना वो एक ऐसी क्वालिटी है कि जनरल स्पीकिंग कि अगर आप लव आप लोगों में प्यार मोहब्बत भाईचारा फैलाते हो तो ये आपके अच्छे से बात करने से होता है आप अगर बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन आपको अच्छे से बोलना नहीं आता मतलब प्यार आपको मीठी ज़बान आपको प्यार से बात करने की तवीस नहीं है तो आप कैसे किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे ठीक है और कहते हैं कि अब आप प्यार मोहब्बत के ज़रिए ना अच्छे अल्फाज बोल के आप दूसरों के दिल जीत सकते हो और इस तरह से आप दुनिया में प्यार मोहब्बत फैला सकते हो और बड़े सुकून अमन उमान फैला सकते हो आप वाई शुड बी स्पीक जेटली हमें जो है बूढ़े लोगों से अच्छे नरमी से बात क्यों करनी चाहिए तो बोल रहे भाई कि हमें इसलिए अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि वो पहले से बेचारे बड़े परेशान हैं और हमें आ, उनको और दुख नहीं देने चाहिए क्योंकि उन्होंने जो कुछ अपनी लाइफ में देखा है हमें बड़ा करते हुए ख़ास तौर पे हमें परवरिश करते हुए या कोई और बड़े हों खास ये नहीं कि सिर्फ हमारे घर के बड़े बल्कि कोई भी बड़ा हो ठीक है उसने लाइफ में क्या क्या देखा है और कह रहे हैं कि क्योंकि वो ऑलरेडी एजेड हैं तो भाई हम तो नहीं जानते कि और कितना अंदर रहेंगे अब आप बोलेंगे सर मौत का पता थोड़ी होता है बेटा बिल्कुल नहीं है लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि एज ओल्ड एज के बाद तो बेटा कोई एज होती नहीं ना सी बात है तो उस, उसके मुताबिक बता रहे हैं तो लिहाजा उनको परेशान और ना करो और कहने के इसके साथ साथ आ, कहने कि अगर कुछ आता है ना कि जो बूढ़े लोग वगैरह आपसे प्यार मोहब्बत से जो आप एजड लोग हैं जो अडल्ट हैं वो आपसे प्यार से बात करें तो भाई आप उनके साथ नरमी का लहजा रखो आप खुद सोचो आप जैसे कि अभी पढ़ रहे हो अगर आपसे कोई पाँच छः साल छोटा बच्चा आपसे बदतमीज़ से बात करें आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल भी छः लगेगा तो बेटा जाहिर सी बात है जो घर के बड़े होते हैं बुजुर्ग होते हैं उनको भला कैसे लगेगा तो आप तो उनके मुकाबले में पता नहीं कितने कितने साल छोटे हो तो ये वाली बात है बेटा आएगा लिखे हमारे पास हाउ कैन वी विन द हार्ट्स ऑफ पीपल या वाइस शुड वी स्पीक जेंटली टू ऑल मतलब ये की बात है बेटा हम किस तरह कर सकते हैं तो क्या भाई हमें भाई पोइट ने बताया कि आप बहुत नर्म नरम लहजे से बात करके और अच्छे से बात करके क्या कर सकते हो ठीक है हम इस समय इस तरह बात करनी चाहिए और जो ये अच्छे काइंड वर्ड्स है ना हम क्या कहते हैं इससे लोगों के दिल जीत सकते हैं और जो काइंडनेस है वो आप जो रब हैं अल्लाह पाक जो है मतलब उनको भी बहुत पसंद है ये फोर्थ दैट स्पीकिंग जेंटली इज़ अ अविली क्वालिक आप की क्यों आप क्यों क्यों बोलते हो कि अच्छे से बात करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है तो क्या लिखा भाई कि हम लोगों के इस, जो है ना हाँ इसके लोगों के दिल जीत सकते हैं इस तरह बात करके ये है तो छोटी चीज़ लेकिन इसके इतने सारे इफेक्ट्स हैं अच्छे इफेक्ट आपकी सोच है कह रहे हैं खुदा को भी ये बहुत अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है और हमें इसका मतलब कि क्या कहते हैं हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा आखिरत में भी और कह रहे हैं इसीलिए ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है ठीक आगे का लिखें हमारे पास वाट इज़ द लेसन गिविन द इस पोम में हमें क्या मैसेज दिया गया है कह रहे हैं हमें इस पोम में हमें यह सिखाया गया है कि आ, हर किसी को ना अगर आप किसी पे करना चाहते हो उसके दिल पर तो आप डर से नहीं करो बल्कि प्यार मोहब्बत से करो सबसे आप अच्छे से बात करो तक जो कि उनके दिल तक असर करे उनको खुशी पहुँचे उस चीज़ से अपने और कह रहे अपनी ज़बान से किसी को दुख ना दो किसी को बुरा मत कहो किसी को गलत मत करो किसी के साथ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा तो कर रहे हो लेकिन आपके जो आप बुरा बोल के ना आप बुरे बन रहे हो और आपकी बुराइयाँ भी खत्म आपकी भी हो आपकी अच्छाइयाँ भी ज़ाया हो जाएंगी सारी की सारी तो कह रहे हैं भाई हमको दूसरों को हर्ड नहीं करना और हार्ड वर्स कैन स्पॉल ऑल गुड डील एट वी डू हेयर एंड कैन हंड अदर्स ठीक है और दूसरों को तकलीफ भी पहुंचाती है ये चीज़ आगे का लिखा है वॉट वाई डज अ पोइट एल एस टू स्पीक जेंटली टू चिल्ड्रेन पोइट ने हमें यूँ कहाँ ये क्यों कहा कि बच्चों से प्यार से बात करो तो लिखा भाई हमें बच्चों से प्यार से इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि वो भी ये बात सीखें बच्चों की जो छोटी एज होती है वो उस पर सीखते हैं तो जो बेटा जो उनको आप फीड करोगे जैसे उनके साथ रहोगे बिहेव करोगे वैसे ही करेंगे बच्चे एक बात याद रखना वो नहीं करते जो आप उनको कहते हो बच्चे वो करते हैं जैसा वो देखते हैं जैसा आप बिहेव करते हो जैसा वो ऑब्ज़र्व करते हैं आप खुद गर्म गलोच कर रहे हो बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वैसे मतलब तो ना करें इम्पॉसिबल वो, वो सीखेगा जो अपने सामने वो देख रहा है और कह रहे हैं कि बचपन में जो है ना बहुत छोटी सी देर के लिए होता है लिहाजा आपको उस उस छोटी एज का फ़ायदा उठाना है उनको सिखाना है ताकि आप उनमें वो चीज़ पैदा कर सको वो बता सको आगे लिखा है वट आर दिस एडवाटेज स्पीकिंग हार्शली अगर आप कह रहे हैं कि बुरे से बात करो उसके नुकसान क्या हैं भाई अगर आप बुरे तरीके से बात करोगे तो हमें जो कुछ भी यहाँ पे अच्छा है ना हम सब कुछ आप खो बैठोगे क्योंकि आप प्यार मोहब्बत से बात करो अगर हम हाज की बात करते हैं तो हमारे इतने ज़्यादा दुश्मन बन जाएंगे इतने दोस्त नहीं होंगे ठीक है वो एक बात एक कोटेशन है ना कि अपना जो दोस्त ना जितने भी हो कम है और दुश्मन एक भी बहुत है वो वाली बात है तो दुश्मन बिलाव क्यों बना रहे हो और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ कोई हमें पसंद भी नहीं करेगा हम बुरे तरीके से अगर बात करेंगे सबसे आगे लिखा हुआ क्या वाट डज अ पोर्ट से अबाउट इटर्निटी के इटर्निटी के बारे में क्या बोल रहे हैं पॉइंट बोल रहे हैं भाई कि हमें जो है अगर हम अच्छे से बात करेंगे तो हमें इसका अजर खुद अल्लाह पा खुद देंगे अगर हम अच्छे से बात करते हैं ठीक है ना और कह रहे हैं कि ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका जो रिवॉर्ड जो मिलेगा वो तो हमेशा हमेशा के लिए होगा ठीक तो मेरे बच्चों बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर आई डू होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़